गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ठीक है, आज हम फिर जो है तो जो चैप्टर है थ्री डी ज्योमेट्री इसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है थ्री डी। ठीक है, कल कुछ टॉपिक फिर जो है थ्योरम कुछ भूल बताए थे, आज फिर आगे करते हैं। जैसे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ टू, अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ given, along the bisector of given lines are L1, M1, L2, M2, L2, M2, L2, R। ये जो है डीसी जो है दो लाइन के क्या दे रखे हैं, L2, M2। Then the direction cosine of two lines, then the direction cosine, then the direction cosine of two lines inclined an angle, of two lines inclined an angle थीटा, इंक्लाइन एन एंगल थीटा डिसीज ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द डिसीज ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द डिसीज ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द डिसीज ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ द डिसीज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ये क्या जाएगा, बिटवीन थ्री लाइंस क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, ये आएगा L1 + L2 अपॉन 2 cos θ/2, ये आएगा M1 + M2 2 cos θ/2, ये क्या जाएगा N1 + N2 2 cos θ/2 जाएगा L1 + N2। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन लाइन, ये क्या जाएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन लाइन, ये कितना जाएगा L2 - L1 अपॉन 2 sin θ/2 ये M2 - M1 अपॉन 2 sin θ/2 ये N2 - N1 अपॉन 2 sin θ/2। ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन अलोंग विद द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन, ये दो लाइन है L1 ये है L1 M1 N, ये है L1 M1 और N, ये है L2 M2 R2।
देन द डायरेक्शन ऑफ टू लाइन इंक्लाइंड एन एंगल, एक एंगल जो है थीटा से हुआ हुआ है, दिस इज ऑफ द इंटरनल, दिस इज ऑफ द इंटरनल डायरेक्शन हो जाएगी, इसका क्या है डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन थ्री लाइन, बिटवीन थ्री लाइन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल वन प्लस एल टू अपॉन टू फोर थ्री बाई टू, दो ये लाइन है, ए भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये है इंक्लाइन एंगल थीटा से है, तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल थ्री लाइन क्या आ जाएगा, एल वन प्लस एल टू अपॉन टू फोर थ्री बाई टू, एम वन प्लस एम टू टू कोस थीटा बाई टू, एन वन प्लस एन टू टू कोस थीटा बाई टू, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल बिटवीन द लाइन ये क्या आ जाएगा, एल टू माइनस एल वन टू साइन थीटा बाई टू, एम टू माइनस एम वन हाँ क्या है टू साइन थीटा बाई टू, एन टू माइनस एन वन टू साइन थीटा बाई टू, ये आ जाएगा, ठीक है। एक हो रहा है देखो क्या क्यों क्यों है मैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन टू लाइन्स हु डिज हैविंग डिसीज आर हैविंग डिसीज आर एल एम एन एन एल एम टू एम टू एम हैविंग डिसीज आर हैविंग डिसीज आर इंटरेक्शन कोसाइन आर एल वन एम वन एन वन एंड एल टू एम टू एन टू एंड एल टू एम टू कोमा एन टू आर गिवन, आर गिवन है तो कोस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन थीटा निकालने क्या आएगा, एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन का स्क्वायर प्लस एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन का होल स्क्वायर प्लस एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन का होल स्क्वायर, और इसका क्या ले रहे इसका स्क्वायर क्या ले रहे क्या है, अगर एक्यूट एंगल निकालना है ये दो डिग्री दे रखे एल वन एल टू एल और एल टू, हमेशा ये चीजें इसमें जो है प्लस का ही देना है, कोस थीटा की 90 से बड़ा जाता आ जाता है माइनस को जाएगा, इसीलिए जो है एक्यूट एंगल की बात आ रही है तो क्या आ जाएगा नोड एल वन प्लस एल टू प्लस एम वन एल टू प्लस एम वन, और एक वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की, ये अलग है ये बिल्कुल इसके इससे कोई लेना देना नहीं, ये अलग है ये ठीक है, ये cos थीटा इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस इसका, और इसका क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन का स्क्वायर, एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन का स्क्वायर, एन वन एन टू माइनस एन टू एल वन का होल स्क्वायर, इस तरह जो है अगर तेरी cos और साइन का समझ पड़ेगी निकाल सकते हैं। अब देखो इफ एंगल थीटा इज इक्वल एक इसके क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा लगा के इनको,
क्या है? जैसे इफ ट्राइंगल इफ ट्राइंगल ए बी सी इज आ ट्राइंगल, ट्राइंगल दे रखे, ए के पॉइंट दे रखे 2 3 5 2 3 5, बी के दे रखे -1 3 2 -1 -1, बी के दे रखे -1 3 2, सी के दे रखे λ 5 μ, डैम सी के दे रखे λ 5 μ, ये 3 पॉइंट दे रखे, बी के ये दे रखे और ए के इफ द मीडियन थ्रो ए इफ द, सवाल क्या है, इफ द मीडियन इन थ्रो, इफ द मीडियन इन थ्रो ए इज इक्वली, ए इज इक्वली इंक्लाइंड, इफ द मीडियन थ्रो द ए इज इक्वली इंक्लाइंड to the axis, find lambda and mu. ये कोई क्या है, ए बी सी इधर ट्राइंगल है, ए के ये पॉइंट है, बी के ये सी है, सी है, एक एक कोई हमने ड्रा करी एक लाइन कह के जो पास ए में पास हो रही है, तो इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली ए इसे इंक्लाइंड इंक्लाइंड है, तो फाइंड द एक्स, फाइंड द लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू के वही बात, ठीक है। देखो ये इस तरह की मान लिया कि ये कोई ट्राइंगल है, ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। एक वैल्यू, एक क्या है 2 3 5, एक क्या पॉइंट 2 3 5, बी के कितने हैं -1 3 और 2, सी के कितने हैं λ 5 और μ। अगर इसको ए से एक, ये एक मीडियन कह जाए, मीडियन इसको ये मान ले एन, ये मीडियन इसको जिस जिस पॉइंट पे ये डाली जाती है, मीडियन डाली जाता है, क्या हो जाता है उसका, वो क्या हो जाता है उसका, इसका ये मिड पॉइंट होता है, इसका जो है मिड पॉइंट, मीडियन जिस लाइन से पे डाली जाती है उस लाइन को क्या है डिवाइड करते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एम इसका जो है बीसी का क्या है मिड पॉइंट है, लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट ऑफ बीसी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 + x2 का होल x1 + x2, y1 + y2 + z1 + z2, अभी है ना जिससे आप माने टू डायमेंशन में पढ़ा होगा, x1 y1 है, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है मिड पॉइंट के, x1 + x2 / y1 + y2 / 2, ठीक। इसी तरह से ठीक है, ये सेम थ्री डायमेंशन में है, क्या आएगा x1, ये थ्री डायमेंशन है, x1 + x2 + x3 / 2, क्या जाएगा x1 + x2 + x3 / 3, ये क्या जाएगा फिर m1 y1 + y2 + y3 / 2, ये क्या जाएगा z1 + z2 + z3 / 3। और इन सभी क्या निकाल ली, अब इन सभी वैल्यू, अब इनकी वैल्यू क्या है, -1 + λ / 2, यहाँ क्या जाएगी -1 x1 + x2, ये क्या जाएगी y1 + y2, ये क्या आएगी, ये आ जाएगी x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 z1 + z2 / 2, तो ये मैं गलत लिख दिया था, तो क्या आ जाएगा -1 + λ - 1 + λ / 2, ये क्या आ जाएगी 3 + 5 / 2,
थ्री प्लस वाई अपॉन टू, ये क्या आ जाएगी, टू प्लस, ये क्या आ गया, टू प्लस म्यू अपॉन टू सी आ गया, ये क्या आ गया माइनस वन प्लस लैम्डा अपॉन टू, ये क्या आ गया एट अपॉन टू, फोर टू प्लस म्यू अपॉन टू सी आ गया, ठीक है। ये जो है ये मीटर के इस पॉइंट के, इस पॉइंट के यू आ गए। अच्छा ये ए से भी होकर पास जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट को क्या जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, थ्रो ए, मीडियन थ्रो ए, द मीडियन थ्रो ए, द मीडियन लिखेंगे मीडियन थ्रो ए, मीडियन थ्रो ए क्या जाएगा, ये माइनस के ये माइनस के ये माइनस के ये क्या जाएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये माइनस वन प्लस लैम्डा बाई टू माइनस, इससे हो जा रहे थे, क्या आएगा ये माइनस टू, माइनस के टू, ये क्या आएगा, ये फोर माइनस थ्री, ये क्या आएगा, ये टू प्लस म्यू, क्या आएगा टू प्लस म्यू माइनस के टू प्लस न्यू अपॉन टू माइनस के फाइव। अच्छा इससे क्या आ जाएगा, ये माइनस टू माइनस फोर आएगा, माइनस वन प्लस लैम्डा माइनस फोर क्या जाएगा, ये माइनस, ये क्या आएगा माइनस वन प्लस लैम्डा माइनस फोर अपॉन टू, ये क्या आ जाएगा यहां से फोर माइनस थ्री वन, ये क्या आ जाएगा टू प्लस म्यू माइनस टेन अपॉन टू, ये क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस फाइव, क्या आएगा लैम्डा माइनस फाइव अपॉन टू, वन टू माइनस टेन माइनस एट प्लस म्यू अपॉन। अच्छा देखो हर एक एक्सपेक्ट से, अच्छा बाकी क्या करना है, ये दे रखा है कि हर एक एक्सपेक्ट से इनक्लाइंड है, क्या हर एक एक्सपेक्ट से इक्वली इंक्लाइंड है, जब भी हर एक्सपेक्ट से इक्वली इंक्लाइंड है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी वन आ जाएगी, क्या आ जाएगी लैम्डा माइनस फाइव, क्या आ जाएगा लैम्डा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू वन, लैम्डा इक्वल टू टू प्लस फाइव, लैम्डा इक्वल टू सेवन, ठीक इसी तरह से ये भी इसकी बोला जाएगी, क्या जाएगी माइनस एट प्लस म्यू म्यू अपॉन टू, इसकी क्या जाएगी यहां से माइनस एट प्लस म्यू इक्वल टू टू, तो म्यू इक्वल टू टू प्लस एट इक्वल टू म्यू इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू सेवन आ जाएगी, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन आ यहां से बात समझ में आ गई भाई, आगे बढ़े। देखो ये क्या दे रखा था, ये ए बी सी पॉइंट देख रहे टाइम के, ये दे रखे हैं और इसका जो है जो मीडियन है थ्रो ए जा रही है, थ्रो ए पे जा रही है, तो इसका जो है इस पे जो बाइसेक्ट करते हैं इसके मिड पॉइंट निकाल दिए, इसके बी सी बीस के मिड पॉइंट, ये इसका जो है मीडियन का होगा, अच्छा ये निकाल लिया, ये आ गया,
और जब ये थ्रो ए से जा रही है तो इसमें वो ये वो होंगे 14 क्या आएगा माइनस, इसमें से ये माइनस करके ये एक्स टू माइनस एक्स वन था ना, वाई टू माइनस वाई वन ये आ गया। दोनों इंक्लाइंड है, दोनों क्या है ये इंक्लाइंड है, हर एक एक्स के बाद इक्वली इंक्लाइंड। तो ये यानी क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू है ये भी 1 के बराबर होगी और ये भी जब आपस में बराबर है कितना आपस में बराबर होगी, तो फिर सोल्व करके क्या निकालेंगे लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। आगे देखते हैं क्या है आगे। ए लाइन पासर थ्रू द पॉइंट 6 -7 -1 ए लाइन पासर थ्रू थ्रू द पॉइंट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, फाइंड द दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इफ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इफ द लाइन मेक्स द लाइन मेक द लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल एंड एक्यूट एंगल विद an acute angle with positive direction of cosine of x, with the positive direction with positive direction cosine of x axis। ये क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, ए लाइन पासर थ्रू द एफ ले लाइन पासर थ्रू द पॉइंट 6 -7 -1 6 and 2 -3 1 find the direction cosine of a line, find the direction cosine of a line makes an acute angle with the positive direction of x axis। मान लिया ये जो पॉइंट है, लेट एल एम एंड जो ये एन है, ये तीन डायरेक्शन कोसाइन है, कौन कौन से, लेट एल एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन लाइन विच मेक द एक्यूट एंगल ऑफ द एक्स एक्सिस, विच मेक एंगल एक्यूट एंगल क्या, विच मेक एक्यूट एंगल ये है ना, विच मेक एक्यूट एंगल ये डायरेक्ट ये वो डायरेक्शन कोसाइन है जो एक्यूट एंगल होना चाहिए और द पॉजिटिव डायरेक्शन वेक्टर, कह रहे पॉजिटिव डायरेक्शन वेक्टर के साथ ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, अच्छा जो ये लाइन है, जो लाइन किससे पास हो रही है, इन पॉइंट से पास हो रही है, किस किससे, 6 -7 -1 और किस किससे, 2 और -3 और 1, वो लाइन इनसे ही पास हो रही है, वो लाइन क्या है, इससे ही पास हो रही है, इनसे भी पास हो रही है। तो इनके डायरेक्शन जब इससे पास हो रही है, इनके डायरेक्शन रेशियो क्या जाएंगे, डिफीज ऑफ क्या जाएंगे,
इसके पास होगी वो जो तभी क्या था सिक्स माइनस टू क्या आएगा सिक्स माइनस टू क्या आएगा सिक्स माइनस टू सिक्स माइनस टू माइनस सेवन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन ये सिक्स माइनस टू जाकर फोर सेवन माइनस थ्री जाकर फोर माइनस फोर अरे माइनस ये वो है क्या आ गई है ये डिसीज आ गई ये क्या आ गया डी आर एस डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया डी आर एस ये डायरेक्शन रेशियो होगा क्या है डायरेक्शन रेशियो होगा और डीसी क्या आ जाएंगे भाई वही बताया था मैंने डीसी क्या डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे इसके फोर अपॉन फोर का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर देखो ये माइनस या प्लस ना रखो स्क्वायर होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है क्या आ जाएगा माइनस फोर अपॉन फोर का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा टू अपॉन फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस के टू का स्क्वायर ये क्या आ गया ये क्या है फोर अपॉन कितने आ जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन थर्टी टू थर्टी टू और वो सिक्सटीन कितने आ जाएगा ये फोर और फोर जाएगा फोर फोर सिक्सटीन प्लस फोर सिक्सटीन सिक्सटीन थर्टी टू प्लस फोर कितना आ गया थर्टी सिक्स कितना आ गया थर्टी थर्टी सिक्स क्या आ गया सिक्स ये आ गया माइनस फोर बाई सिक्स ये क्या आ गया टू बाई सिक्स ये क्या आ गया टू बाई थ्री ये क्या आ गया माइनस टू बाई थ्री और ये वन बाई थ्री आ गए ये आ गए फिर डायरेक्शन डीसी क्या आ गए ये आ गए पहले फिर डी आर एस ये निकाल लूंगा जो बताया था फॉर्मूले कल एक्स टू माइनस एक्स वन थी ये आ गए तो इस तरह जो है हम ये निकाल रहे ठीक है आगे बढ़े हुए जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ विच द वाइडर प्लेन फाइंड फाइंड द रेशियो फाइंड द रेशियो विच द वाइडर प्लेन विच द वाइडर प्लेन क्या फाइंड द रेशियो विच द वाइडर प्लेन डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट डिवाइड ज्वाइन ऑफ द पॉइंट ज्वाइंट द पॉइंट माइनस टू फोर सेवन माइनस टू फोर सेवन एंड थ्री माइनस फाइव एट एंड थ्री माइनस फाइव एंड एट ये क्या है ये फाइंड द रेशियो विच द वाइडर प्लेन डिवाइड ज्वाइन द ऑफ द पॉइंट इसके वाइडर प्लेन के रेशियो क्या है क्या निकालने हैं क्या है फाइंड द रेशियो इन द वाइडर प्लेन डिवाइड इन द रेशियो अच्छा लेट लेट मान ली ये तो पी पॉइंट है पी पॉइंट कितना है माइनस टू फोर और सेवन ये क्यू पॉइंट है क्यू पॉइंट कितना है थ्री माइनस फाइव एंड एट जो इसे जो है डिवाइड कर रहा है मान ली लैम्डा वन रेशियो में डिवाइड इसे पॉइंट इसे लाइन को क्या है इस वाई जेड प्लेन मान ली जो लेट लिखेंगे लेट वाई जेड प्लेन लेट जो वाई जेड प्लेन है इसको पी क्यू इस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लैम्डा रेस टू रेशियो कर रहा है लैम्डा रेस टू
जाएगा इस पॉइंट पी और क्यू को, तो इसका क्या आ जाएगा? अच्छा अब इसका क्या जाएगा? वही है एम एक्स टू एन एक्स मतलब कौन एम प्लस एन, क्या जाएगा एम एक्स टू क्या जाएगा एम एक्स टू क्या जाएगा थ्री एम क्या गया एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन एम वन एक्स टू एम वन एक्स टू मतलब एम टू एक्स वन इसमें क्या जाएगा यहां से थ्री जाएगा थ्री लैम्डा माइनस टू अपॉन लैम्डा प्लस वन, इसमें क्या जाएगा माइनस फाइव लैम्डा प्लस फोर अपॉन टू लैम्डा प्लस वन, इसमें क्या जाएगा ये एट एम एफ टू एट लैम्डा प्लस सेवन अपॉन लैम्डा प्लस वन। ठीक अब ये क्या आ गया ये? अच्छा और किस प्लेन के लिए कह रहा है? वाई जेड प्लेन के लिए, किस किस प्लेन के लिए कह रहा है? वाई जेड प्लेन, किस प्लेन के लिए कह रहा है? वाई जेड, किस प्लेन के लिए कह रहा है? वाई जेड प्लेन के लिए। तो वाई जेड प्लेन के लिए कह रहा है ये मोल लिखा बड़ा लिखना चाहिए प्लेन है वाई जेड के लिए, तो इसमें ही हुई है ये जीरो का फिल्म वाला, तो क्या आएगा थ्री लैमडा माइनस टू अपॉन लैमडा प्लस वन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या जाएगा ये जीरो, जब इसमें क्रॉस इंटीग्रेशन कर लूंगा तो क्या आएगा थ्री लैमडा माइनस टू इक्वल टू जीरो, थ्री लैमडा इक्वल टू टू लैमडा इक्वल टू टू अपॉन थ्री, तो लैमडा की वैल्यू क्या आ गई टू अपॉन थ्री आ गई, लैमडा की क्या आ गई टू अपॉन थ्री, तो लैमडा टू अपॉन थ्री यानी टू रेशियो थ्री में होगा, यानी लैमडा वन रेशियो में था टू अपॉन थ्री थ्री रेशियो वन थ्री टू रेशियो थ्री। देखो भाई क्या सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ द विच द एक वाई जेड प्लेन था डिवाइड ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों को जो पॉइंट को जो जो पी जो पी पॉइंट था और ये क्यू था ज्वाइनिंग द डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसमें डिवाइड कर रहा है वो रेशियो निकालनी है, वो निकालनी है ये रेशियो लैम्डा रियल टू वन में थी, लैम्डा रियल टू वन में थी। अच्छा तो अच्छा अब ये क्या आ गया, ये मान लीजिए तो पी पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है, फिर ज्वाइनिंग का पी क्यू क्या आ जाएगा ये निकाल दिया एम एक्स टू प्लस एन एक्स इससे ये आ गया भैया। अब फिर इसको क्या क्या कह रहा है कि वाई जेड प्लेन के लिए, क्या के लिए वाई जेड प्लेन के लिए ये एक्स जीरो आ जाएगा तो इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू टू बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़े भाई, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। एग्जाम्पल आई इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ पॉइंट इफ द सम ऑफ द इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ पॉइंट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द डिस्टेंस इफ द इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द फ्रॉम
from the q coordinate axis, no. 3 coordinate axis is 36, then coordinate axis is 36, then find the its distance, find the distance, find the distance from the origin. इसकी ओरिजिन की, इफ द सम ऑफ द सीक्वेंस, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, गिवन पॉइंट है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज 36, ये 36 है तो इसकी क्या निकालनी है, इसकी वो निकालनी है तो फाइंड द, अच्छा अगर मान लिया कोई कोई पॉइंट है नहीं, लेट पी इज द पॉइंट, ये है पी एक्स वाई जेड, मान लिया पी इज द एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस है, क्या लगाइए एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये क्या जाएगा एक्स माइनस जीरो क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, अच्छा थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस की क्या है, अच्छा थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस की तीनों एक्सिस की क्या है द सम ऑफ द देयर का स्क्वायर ऑफ द थ्री थ्री एक्सिस ऑफ तीनों अक्षर की कोऑर्डिनेट, जो तीनों अक्षर हैं यानी आई जे के एक्स वाई जेड की तीनों का सम क्या है 36 है, क्या है 36 है, अच्छा थ्री कोऑर्डिनेट का सम कितना आ जाएगी, वैसे ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस के जेड का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस के एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 30, ये क्या आ गई, ये आ गई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तीनों एक्सों का सम, पहले ये आ गया स्क्वायर फिर दूसरे का ये फिर तीसरे का ये क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक दो तीन तीन एक्सों का इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द थ्री कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का सम, ये आ गया ये आ जाएगा भाई, अच्छा इसका स्क्वायर खोल दूंगा तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक एक्स स्क्वायर कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर, कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर इक्वल टू 36, टू दोनों में से कॉमन ले लो, तीन नंबर क्या आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 36, ये क्या आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन टू, कितना आ गया 18, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ये है ओरिजिन से डिस्टेंस, ये है ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस किस पॉइंट की इसकी निकालेंगे ये, और इसका रूट है, इसका रूट कितना आ गया 18, अब 18 18 में क्या आएगा 3√2, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 का बाहर आ गया क्या आ गया 3√2, ये आ गया 3√2, इसका आ गया 3√2 आ गया, देखो हटके ये कोई सवाल है, इसका स्क्वायर दे रखा तीनों एक्सों का कितने 36, इस जो पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ, ओरिजिन से डिस्टेंस ये आ गई, और ये दे रखा तीनों का अलग अलग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनका सम स्क्वायर का सम स्क्वायर स्क्वायर भी है इनका, ये आ गया इसका पहले का दूसरी का एक्स वाई का वाई जेड का डायरेक्ट ये आ गया, तो इसके जो है निकाल के क्या एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या गया 3√2,
अब आगे ये कोई क्वेश्चन लगाते हैं, देखो अच्छा था। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है, अ लाइन मेक, ए लाइन मेक अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। ए लाइन मेक एंगल, एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द क्यूब ऑफ एंगल, विद द क्यूब ऑफ एंगल, विद द क्यूब ऑफ द एंगल, विद द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, विद द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, विद द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ए लाइन मेक एन लीनियर अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ ए मेक एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ द क्यूब, देन शो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल 4/2। ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू 4/3 है। अच्छा, अब मान लिया ये इस तरह कोई, ये देखो भाई ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, यहां से बात समझोगे। ये एक कोई क्यूब है, ये इस तरह का, ये क्यूब है। अच्छा, इसमें जो है डायगोनल बता, इसमें जो है डायगोनल, इसमें क्या है, ये ओ है, ये ओ ए, ये माने क्या है ए, ओ ए, ए के पॉइंट क्या जाएंगे इसमें, ए कोमा जीरो कोमा जीरो की साइड ए है, ए ए कोमा जीरो कोमा जीरो, ए कोमा जीरो कोमा जीरो है। एक इसमें बी पॉइंट है, यहाँ बी के कितने जाएंगे, जीरो कोमा ए कोमा जीरो, जीरो कोमा ए कोमा जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये जेड मान लिया, ये क्या आ गया जेड आ गया, ये क्या आ गया वाई, थ्री डायमेंशन, ये एक्स है, ये वाई है, ये और एक है सी, एक सी के इसके क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जीरो कोमा ए, यहाँ से बात समझोगी। और अब मुझे क्या है, ठीक है डायगोनल, इसमें क्या है डायगोनल, यही डायगोनल, ये डायगोनल क्या है, यहाँ ये डायगोनल, ये डायगोनल कौन कौन से होंगे, पहला डायगोनल होगा इसका मान लिया है ए, ये है ए है, ये यहाँ है एल, ये
A L क्या जाएंगे? A L के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे इसके दोनों एक्सिस पे? आयो जीरो कोमा ए कोमा ए कोमा जीरो कोमा ए। फिर दूसरा दूसरा है इसका मान एक डायगोनल है ए एम। क्या है इसका एक डायगोनल? क्या है इसका मान ए एम? दूसरा डायगोनल है इसका बी एम। बी एम एक इस बी से ये एम बी एम इसके क्या रहेंगे ए कोमा जीरो कोमा ए। ये क्या गए ए कोमा जीरो कोमा ए। ए क्या गए ए कोमा जीरो कोमा ए। बी एम बी एम के क्या रहेंगे अच्छा ए एल आ गए एक तो इसको डायगोनल एक ए एल आ गया एक बी एम आ गया और एक क्या आ गया इसका सी एन। ये क्या मान लिया हमने सी सी एन। एन क्या आ गया यहां आ गया एन इसके है ए कोमा जीरो एक डायगोनल आ गया सी एन सी एन। ये आ गया सी से ये एन आ गया ए से एल आ गया बी से एम आ गया ये आ गया एक और डायगोनल हो जाएगा एक डायगोनल हो जाएगा ओ पी। एक डायगोनल क्या आ जाएगा ये ओ पी। ओ पी कहाँ जाएगा ये है मान लिया वो पॉइंट ओ पी एक डायगोनल होगा ओ पी इक्वल टू क्या जाएगा ए ये क्या आएगा ठीक है ए कोमा ए ठीक है। देखो अब इसके ये चार डायगोनल हो गए इसके कौन कौन से डायगोनल हो गए इसके डायगोनल ऑफ डायगोनल कौन कौन से हो गए ए एल ए एल बी एम एक क्या आ गया सी एन एक क्या आ गया ओ पी सी आ गए। देखो ये क्या था ये लाइन एक कोई ये क्यूब था एक क्या क्या था क्यूब था ये क्यूब के जो है सीधी बात है यहाँ बाई लाइन है ए कोमा जीरो जीरो यहाँ के साइड के पी के जीरो कोमा एक कोमा जीरो ठीक है क्या आ गए जीरो कोमा जीरो। अब ये चार डायगोनल है मान लीजिए इसके ये डायगोनल होगा इस कोने से कोने में जाने वाला ए एल ये है एक ए एल डायगोनल है एक क्या है इस कोने से इस कोने को मिलाने वाला ये भी एक बी एम होगा ठीक है साइड एक क्या होगा एक इससे वाला सी एन होगा एक क्या होगा ये ओ पी भी होगा। ये चार डायगोनल हो गए क्या आ गए ये अच्छा अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालना हूं ओपी के ओपी के ओ तो यही जीरो 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 होती है अभी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी डायरेक्शन क्या निकाल सकता हूं मैं डायरेक्शन जी सी ऑफ ओपी ठीक ओपी के मैं जो है ये क्या निकाल सकता हूं डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूं उससे वही है फॉर्मूला ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा ए क्या आएगा यह आएगा किया जाएगा ये आ जाएगा वही है जिसको क्या जाएगा ए ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अच्छा इसके क्या आएगा इसके भी क्या आएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर क्या आएगा ए स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या आ गया ए अपॉन रूट थ्री का ए स्क्वायर ये क्या आ गया ए अपॉन रूट थ्री का ए स्क्वायर ये क्या ए अपॉन रूट थ्री का ए स्क्वायर इस ए से जाके चाहे वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ पी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ पी क्या आ गया ये आ गया ठीक है भाई। इसी तरह डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एल डायरेक्शन बी सी ऑफ ए एल ए एल क्या जाएगा माइ ए एल इसके इसके ए एल ये इधर माइनस क्या होगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री ठीक डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एल और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी एम डायरेक्शन बी सी ऑफ बी एम कितना आएगा ये वन अपॉन रूट थ्री कोमा माइनस
वन अपॉन रूट थ्री कोमा वन अपॉन रूट थ्री फ्रैक्शन कोसाइन ऑफ डी एम। ए एल के भी निकल गए, ओ पी के भी, ए एल के भी, बी एम के भी, और अब क्या निकाल लूंगा मैं पी एल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी एल बी सी ऑफ पी एल क्या आ जाएगा ये वन अपॉन रूट थ्री माइनस नहीं वन अपॉन रूट थ्री और माइनस वन अपॉन रूट थ्री ये तीनों क्या आ गए। देखो अब देखो सवाल अब निकल गए क्या आया सवाल ये चार डायगोनल थे ए एल बी एम सी एल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी के ये रहे हैं ए एल के ये रहे बी एम के ये रहे और सी एल के ये रहे हैं। अच्छा अगर यहां अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा एलएमएन हो क्या हो एलएमएन हो एल एम एन हो किसके डायरेक्शन कोसाइन कितने हो लेट डायरेक्शन कोसाइन कितने हो एल एम एन कितने हो एल एम एन कितने हो एल एम एन एक और मान लो डी एन का एल एम और कितने डायरेक्शन कोसाइन कितने हो एल एम एन आर डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन विच आर मेकिंग एंगल कितने बना रहे अल्फा बीटा डेल्टा क्या बना रहे अल्फा बीटा डेल्टा एल एम एन आर एल एम एन आर की क्या डिसीज है अगर डिसीज किसी को मान लिया है और वो मेकिंग एंगल कौन कौन से बना रहे हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है ये चार एंगल बना रहे हैं कोई डिसीज है ये मान लीजिए लेट मान लीजिए डिसीज है जो एंगल कितने बना रहे हैं चार एंगल बना रहे हैं डिसीज एलिमेंट अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये छठा एंगल बना रहे हैं डिसीज इनके साथ तो ये कोस अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा एल यहां पे क्या आ जाएगा कोस अल्फा इक्वल टू एल अपॉन रूट थ्री यानी कि ये है कोस अल्फा इक्वल टू एल अपॉन रूट थ्री प्लस एम अपॉन रूट थ्री प्लस एन अपॉन रूट थ्री ये आ जाएगा अल्फा मान ली इस एंगल के साथ बना रहा है माइनस अगर एल इंटू मल्टीप्लाई वन रूट थ्री एम इंटू मल्टीप्लाई वन रूट थ्री और एन इक्वल टू वन रूट थ्री कोस अल्फा इक्वल टू एल अपॉन रूट थ्री प्लस एम अपॉन रूट थ्री माइनस एम अपॉन रूट थ्री सिमिलरली कोस बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से कोस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से इस वाली से क्या आएगा माइनस एल्फा एल अपॉन रूट थ्री प्लस एम अपॉन रूट थ्री प्लस एन अपॉन रूट थ्री या इसको यूज कर सकते हो एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री ये कोस बीटा आ गया। अब कोस गामा कोस गामा कोस गामा इस पे आ जाएगा क्या आ जाएगा एल अपॉन रूट थ्री एल अपॉन रूट थ्री माइनस एम अपॉन रूट थ्री प्लस एन अपॉन रूट थ्री कोस डेल्टा कोस डेल्टा क्या आ जाएगा यहां से एल अपॉन रूट थ्री एल अपॉन रूट थ्री प्लस एम अपॉन रूट थ्री माइनस एन अपॉन रूट थ्री या यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की या देखो क्या आगे आए समझ बात आगे देखो क्या सवाल है देखो ये अल्फा क्या आ गए ये लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विल अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है विद द डायगोनल ऑफ द क्यूब ऑफ सच दैट इट इज cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू ये प्रूव कर दो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दिया। अच्छा ये एक क्या था भाई देखो ये क्यूब है ये क्या है क्यूब इसके ये चार मान लिया डायगोनल है ये ए एल बी एम सी एन ओ पी कौन कौन से हैं ए एल बी एम सी एन और ओ पी है। अच्छा इसके जो है इनके कोऑर्डिनेट हैं ए के ये हैं बी के ये हैं सी के ये हैं आगे क्या करा मैंने इसके डिजीज ऑफ
किसके निकाल लिए, ओपी के, डिसीज ऑफ ओपी के निकाल लिए, क्या आ गया 1.3 ये आ गए। इसी तरह कोस अल्फा के लिए इसी तरह क्या निकाल लिए, डिसीज ऑफ ओपी, डिसीज ऑफ ओपी निकाल लिए इसके, और डिसीज ऑफ एल के ये निकाल लिए, डिसीज ऑफ डीएम के निकाल लिए, डिसीज ऑफ सी एन के ये निकाल लिए। ठीक, अब ये निकाल लिए, अब इसके साथ क्या करा मैंने, कोस अल्फा वही है, इसके कोस अल्फा क्या जाएगा, ये इसके डिसीज अगर एल एम एन हो और ये अल्फा बीटा डेल्टा तो क्या होता है, एल मल्टीप्लाई ये एम मल्टीप्लाई ये आ गया, कोस बीटा के साथ ये आ गया, कोस गामा के साथ कोस डेल्टा के साथ, अब हमने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कोस डेल्टा की वैल्यू निकाली। क्या करा आपने इसके बाद, इसको वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं, इसको वैल्यू को पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा इसको वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं, तो किसका पुट कर देता हूं मैं, देखो गिवन है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा, क्या क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या है, कोस अल्फा की वैल्यू है एन प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री, क्या है एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री, एल प्लस एम प्लस एन की पावर रूट थ्री का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है बीटा की वैल्यू है, कोस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस एल, यानी क्या होगा माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री की होल स्क्वायर, इसे भी इस तरह लिख लेंगे, इसे किस तरह लिख सकते हैं, इसे इस तरह लिख सकते हैं भैया माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री, ये प्रूफ ये। ठीक इसी तरह से, इसी तरह कोस गामा की क्या आ गई एल माइनस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर प्लस कोस गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई एल प्लस एम माइनस एन, एल प्लस एम माइनस एन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर, देखो नीचे क्या है रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर, यहां से क्या आ गया थ्री आ गया अपॉन थ्री बाहर आ गया। अच्छा अब क्या है ये, अब इसको क्या है सोल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सोल्व, यहाँ क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी, ये क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एम एल प्लस टू एन एल, फिर इधर से क्या आएगा ये एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस माइनस टू एल एम माइनस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एम एन माइनस टू एल एन, इधर से एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर माइनस टू एल एम माइनस टू एम एन माइनस टू प्लस टू एन एल प्लस, फिर यहां से क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एम माइनस टू एम एन माइनस टू एन एल, ये आ गया। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना होगा क्या आएगा, देखो एक एल स्क्वायर ये रहा एक दो तीन चार, चार एल स्क्वायर आ जाएगा ये चार एल स्क्वायर प्लस एक एम स्क्वायर ये रहा एक एम स्क्वायर ये रहा एक एम स्क्वायर ये रहा एक एम स्क्वायर चार एल स्क्वायर प्लस चार एम का स्क्वायर, ये क्या जाएगा चार एल का स्क्वायर चार एल का स्क्वायर प्लस चार एम का स्क्वायर प्लस चार एन का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो प्लस के टू एल एम
माइनस के 2 LMS, प्लस के 2 ML, माइनस के 2 ML, ये रहा प्लस के 2 NML, माइनस के 2 NL, प्लस के 2 LM, ये सारे आपस में कट जाएंगे, ये आ गए। और नीचे बाहर क्या है, 1/3, 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ गया, 4/3, ये आ गई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। आगे भाई देखो क्वेश्चन बड़ा ईजी है, लेकिन थोड़ा लेंथ है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं 3D के लेंथ ही होते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन बहुत ईजी होती है, स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े, देखो दो लाइन है, एक ही डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 और N, दूसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N, इफ देयर आर टू लाइन देयर डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट इज L1 M1 N2, अच्छा टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली कब, इफ एंड ओनली दो लाइन है अगर वो परपेंडिकुलर है, दो लाइन है अगर वो परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन है उनके लेंगे क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, तो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या लगे, L1 M1 प्लस L2 M2 L1 प्लस L1 L2 L1 L2, ये क्या आएगा, M1 M2 प्लस L1 L2 इक्वल टू 0, इफ दे आर टू लाइन देन टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन L1 L2 प्लस M1 M2 L2 इक्वल टू 0, ये इफ एंड ओनली दोनों डायरेक्शन में है, इफ एंड अगर इफ होता वन डायरेक्शन में, इफ एंड ओनली दोनों डायरेक्शन में है। फिर दूसरा क्या है, पैरेलल क्या आएगा, पैरेलल कब होते हैं, ये L1 upon L2 L1 upon L2 इज इक्वल टू M1 upon M2 इज इक्वल टू N1 upon N2, ये दो लाइन है, ठीक ये है। अच्छा अब अगर अगर दो ये है दो L1 अगर क्या है L1 M2 क्या थे, अगर डिफरेंट थे क्या है, डिफरेंट है दोनों डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, अगर दोनों के डायरेक्शन रेशियो है, अगर क्या है dr, अगर मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो दे रखे, क्या दे रखे, A1 B1 C1 दे रखा, दूसरे क्या दे रखा, A2 B2 C2, ये दो डायरेक्शन कोसाइन है, पहले का है A1 B1 C1, दूसरे का है A2 B2 C2, तो यही सिमिलरली अब ये पैरेलल है, अगर क्या पैरेलल है,
परपेंडिकुलर है तो क्या जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। और अगर क्या है पैरेलल है, अगर क्या है पैरेलल है तो क्या जाएगा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन सी वन अपॉन सी टू। ये भी इफ एंड ओनली इफ में ही है, ये भी क्या है इफ एंड ओनली परपेंडिकुलर, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये क्या आएगा पैरेलल जगह इफ एंड ओनली इफ। क्या देखा, मान लिया ये दो लाइन है, ये कितनी है, ये भी टू लाइन है, एक भी कितनी है, ये भी टू लाइन थी और ये भी कितनी थी, ये भी टू लाइन थी। फर्क क्या है इसमें, इसके लिए रखे हैं डीसी, इसके क्या है डायरेक्शन को दे रखे हैं, पहली लाइन एल वन एल टू एम टू, दूसरे एल टू एम टू एम, इसमें दे रखे हैं डी आर, पहली का ए वन बी वन सी वन, दूसरी का ए टू बी टू सी टू, ये परपेंडिकुलर होंगे इफ एनी ओनली, कब परपेंडिकुलर होंगे, एल वन एन टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल टू जीरो, और पैरेलल कब होंगे, एल वन अपॉन एल टू इक्वल टू एम वन अपॉन एन टू एम वन अपॉन एन टू। इसी तरह अगर डी आर दे रखे परपेंडिकुलर होंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, और पैरेलल होंगे ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू इक्वल टू सी वन सी टू। आगे बढ़े भाई, एक और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा लगाते हैं, क्या क्वेश्चन है ये, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डिग्री आर गिवन बाय हुज डिग्रीज आर गिवन बाई एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो एंड टू एल स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर एंड टू एल स्क्वायर प्लस टू एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो भाई ये एल एम एन आर फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो एल एम एन रखी है, ये टू एल स्क्वायर एम स्क्वायर इसमें रखी है, तो इसके क्या निकालना है, एंगल निकालना है, क्या निकालना है इसका एंगल, एंगल किसे निकालना है, पहले दे रखा है गिवन है एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, एक क्या कंडीशन दे रखी है टू एल स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। वी नो दैट इफ एल स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू वन, ये तीन कंडीशन हो गई, कितनी कंडीशन हो गई है, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा देखो ये तीनों इक्वेशन हो गई, तीन कितने अननोन है, तीन अंदर एक दो तीन, तीन ही अननोन है, एक दो तीन और तीन इक्वेशन है, अब इन्हें तीनों को सोल्व कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ सोल्व कर देता हूँ। अच्छा कितना सोल्व कर देता हूँ, अगर यहां से मैं से टू से मल्टीप्लाई कर दू, टू से क्या कर देता हूं मैं,
क्या है बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाई बाई इक्वेशन, बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इसको क्या करूंगे, थर्ड इक्वेशन है इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्या आ जाएगा ये टू एल का स्क्वायर प्लस टू एन का स्क्वायर प्लस टू एन का स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हो गई फोर्थ आ गई बाई थर्ड एंड फोर्थ, बाई थर्ड एंड फोर्थ इसको क्या आ जाएगा जब इसको ये बोले टू दिया जाएगा, क्या जाएगा ये टू बी, जब इसको इससे बाई थर्ड फोर्थ एंड बाई फोर्थ एंड सेकेंड ये आया दिस इक्वल टू क्या है थ्री एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा टू एंड एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो एन टू अपॉन थ्री एन इक्वल टू क्या इम्प्लाई दैट एन इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री, एन की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस टू रूट थ्री, अच्छा और अब यह है एल इक्वल टू क्या है यहां से एम प्लस एन, एल इक्वल टू क्या है अच्छा इसमें क्या है एल प्लस एम इक्वल टू क्या जाएगा यहां से एल प्लस एम, एल प्लस एम बाई फर्स्ट इक्वल टू रूट टू अपॉन थ्री, इधर आगे माइनस टू रूट अपॉन थ्री, ये क्या जाएगा यहां से टू एल का स्क्वायर, टू एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर इक्वल टू टू बाई थ्री इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, ये थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, ये तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगा हार्ड में, हम क्या करते हैं इसको इसकी वैल्यू इन्हें दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन्हें दोनों क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ये थ्री का स्क्वायर बाई सेकेंड एंड थर्ड, बाई सेकेंड एंड थर्ड क्या आ जाएगा ये टू एल स्क्वायर थ्री एल स्क्वायर, थ्री एल स्क्वायर प्लस थ्री एम का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और यहां से क्या आ गए यहां से एन इज इक्वल क्या आ गई एल क्या एल हाँ थ्री एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया एम आ गया, और एन की वैल्यू यहां से रखिए कितनी एम की वैल्यू यहां से क्या रखूंगा टू बाई एन स्क्वायर टू बाई थ्री बाई सेकेंड बाई बाई सेकेंड बाई सेकेंड क्या आ गया ये तो सेकंड और थर्ड आ गई बाई सेकंड एंड थर्ड, ये मान लिया फोर्थ है फिफ्थ है ये क्या है फिफ्थ, अच्छा अब इसकी क्या रख देता हूं मैं एन स्क्वायर की, यहां क्या आ जाएगी एन स्क्वायर की वैल्यू टू पॉइंट थ्री रखे एन स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन, ये क्या है थ्री एल का स्क्वायर प्लस थ्री एम का स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू थ्री, थ्री एल का स्क्वायर प्लस थ्री एम का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हो गए फिक्स, तो यही आ गई है तो अरे तो वही आ गया देखो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से n इज इक्वल टू एल प्लस एम इज इक्वल टू माइनस टेन, यहाँ से क्या यहाँ से एल स्क्वायर यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखूंगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ से ये क्या एल स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एल प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, ये क्या आ गया थ्री एल का स्क्वायर टू एल स्क्वायर स्क्वायर थ्री एल स्क्वायर प्लस थ्री एम का स्क्वायर प्लस टू एल एम इक्वल टू वन, ये थ्री एल स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई वन आ जाएगी वन प्लस थ्री
1 + 2 ml = 1, 1 + 2 ml = 1. ठीक है, तो 2 ml = 1 ml ये है ना, देखो भैया ये है L + M = -M, यानी L + M का स्क्वायर इक्वल टू N का स्क्वायर। ये क्या है, ये निकालनी हुई है L² + M² = 1 - N² ये क्या आ गई 1 - N²। अच्छा ये क्या आ गया, ये दोनों को क्या कर दिया, दोनों को माइनस ऐड कर दिया, ये क्या आ गया घटा आ जाए L² (2lm) = क्या गया N² - 1 + N² क्या गया 2N² 2N² के क्या गया 4/3 -1 = 2 lm lm = 1/6 आ गया यहाँ से क्या आ गई lm = 1। अच्छा यहाँ से क्या आ गई lm = 1/6 और यहाँ से, और फिर तो ये एक 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 ये एक ये कंडीशन आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी 2L² एक ये आ गई, कहाँ से आ गई ये L² M² से निकल रही थी, यहाँ से हो गई L² + M² से आ गई है L² + M² = क्या आएगी यहाँ से 1 - N² का मतलब 1 - 2/3 यानी 1/3 1 - 2/3 क्या आएगा 1/3 यानी 3L² + 3N² एक्सिस है ये रखी जाए, ये क्या आ गई है 3L² क्या आ गई है 3L² + 3M² = 1। अब दोनों को इनको जो है सोल्व कर लूंगा, इनको क्वाड्रेटिक की तरह सोल्व कर देखो क्या आता है भैया, एल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू भी 1/√6 और एम की भी वैल्यू क्या आएगी 1/√6 आ जाएगी, और एन की वैल्यू पहले निकाल ली मैंने √2/3 ये आ गई, तो √2/L की भी वैल्यू 1/√6 आ गई, एम की वैल्यू 1/√6 आ गई, और ये स्क्वायर में तो प्लस माइनस होने तरफ से ही लिखेंगे ये एम का स्क्वायर रूट आएगा ये आ गया। अच्छा अब इनके क्या निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे इनके क्या आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन इनके 1/√6 क्या आ जाएगा 1/√6 + 1/√6 प्लस के 2/√3 क्या आ गया एक क्या आ जाएगा 1/√6 + 1/√6 और 2/√3 एक का दिया आ गया, दूसरा क्या आएगा 1/√6 फिर ये माइनस कर जाएगा क्या आएगा 1/√6 और माइनस के 2/√3 एक तो आ जाएगा एक तो, और दूसरा क्या आ सकता है
दूसरा क्या सकता है? ये दोनों माइनस क्यों, ये दोनों माइनस क्यों, वन अपॉन रूट सिक्स माइनस के वन अपॉन रूट सिक्स, या तो याद सकता है या ये, और याद है टू अपॉन रूट थ्री सी है, और ये वन अपॉन रूट सिक्स वन अपॉन रूट सिक्स, ये दो, फिर ये क्या है, तीनों क्या हो, या माइनस क्यों, तीनों तीनों क्या है, ये माइनस क्यों है। ये दो कंडीशन आ गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, एक तो ये वाली होगी एंड ये करके एंड ये वाली, और ये वाली एंड एक ये वाली करके। अब इनके बीच से क्या निकाल लेता हूँ, इनके बीच का कोस अंजी निकाल लूंगा, इनके बीच का क्या मान लूंगा, माने कोस थीटा, क्या आ गई वो यार फॉर्म लेकर क्या निकाल लूंगा, इनके बीच का निकाल लो कोस थीटा इन दोनों के बीच का, चाहे तो इसका निकाल लो और चाहे इन दोनों के बीच से निकाल, चाहे तो इतनी बंदों चाहे इन दोनों के बीच से निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो भैया, कोस थीटा क्या आ गया, निकाल लो क्या आ गया, कोस थीटा फॉर्मूले बताया था ना मैंने भी, निकाल लो ठीक है, क्या निकला आपको, ए कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन अपॉन थ्री थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स माइनस वन अपॉन थ्री, ये आंसर आ गया, कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स माइनस वन अपॉन थ्री, इनके बीच का एंगल क्या आ गया, कोस माइनस वन अपॉन थ्री। ये भी एक बहुत अपना लेंथी सवाल था, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे लेंथी होंगे लेकिन इजी होंगे, कुछ नहीं करना, तो ठीक है ये आ गया आंसर आ गया, एल कोस थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। ठीक आज के लिए इतना ही है, ठीक है कल मिलेंगे, थैंक्स।